Hey guys, good morning. Welcome or welcome back to my channel Aditi's World. So guys, you can see कि मैं ready होके बैठी हूँ because मैं office जा रही थी और actually कल हम लोग को बताया था कि आज tomorrow we are working और so मैं निकल गई थी office जाने के लिए और जाते जाते just मैंने net on किया और message देखा तो मैम का message आया था कि tomorrow we are not working और today's holiday. सो मतलब मैं पूरी एज यू कैन सी मैं रेडी होके बैठ गई हूँ, मतलब रेडी हो गई थी जाने के लिए और निकल भी गई थी और डोर ओपन करके लिफ्ट का बटन दबाया और मैंने जस्ट मैसेज देखा, इसलिए अच्छा हुआ, नहीं तो फिर मुझे जाके वापस आना पड़ता अगर मैसेज नहीं देता. सो बस अभी मैं जल्दी उठ के रेडी होके बैठी हूँ बिकॉज ऑफिस जाना था. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, तो जस्ट आई एम नाउ हैविंग माई मिल्क और फिर मिल्क पी के देखती हूँ क्या कर सकते हैं. और ये मेरे भाई यहाँ पे सो के उठा हुआ आ रहा है कैमरे में. तो गाइज मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ बिकॉज अभी तक बिल्डिंग का गणपति नहीं आया है. सो और इतनी जल्दी मैं कहाँ जाऊँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा था. सो आई जस्ट चेंज माई क्लोथ और बस अभी सो गई हूँ मैं लिटरली. तो अभी थोड़ा टाइम मैं सोऊंगी मतलब ऐसे जस्ट लाइंग डाउन एंड देखूंगी वीडियो का मेरा काम रहेगा थोड़ा वो करूंगी और फिर शायद से शाम को कहीं बाहर जा सकती हूँ. सो या अभी थोड़ा मैं आराम कर ली. सो गाइस थोड़ा टाइम सो गई थी मैं, लाइक सो नहीं गई थी बट ऐसे जस्ट वॉज लाइंग डाउन और अभी मुझे भूख लगी है बिकॉज सुबह मैंने कुछ भी नहीं खाया था. सो या सो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने. तो गाइस मेरा खाके हो गया नाश्ता करके और अभी मैं आई हूँ किचन में और आज मम्मी बना रही है हमारे लिए डोसा एंड इडली. सो इसके लिए मम्मी ने ये कल रात को ही जो आटा है वो बना के रखा था पीस के एंड अभी मम्मी इसमें नमक ऐड कर रही है फिर ये मिक्स करके इसके डोसे बनाएंगे हम लोग, मतलब मैं ही बनाने वाली हूँ आज. लेट्स सी. तो ये हमारा जो नमक था वो आटे में प्रॉपरली मिक्स हो गया है और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाला है. अभी इसके डोसे बनाएंगे. और ये अभी ढक्कन रखेंगे हम लोग इस पे थोड़ा सा गैस फास्ट करके हम लोग जस्ट हाफ मिनट तक इसको पकाएंगे वन साइड और फिर अभी ढक्कन निकाल के देखते. ये हमारा नीचे के साइड से डोसा परफेक्टली कुक्ड हो गया है, बस अभी इसको हम लोग निकालेंगे और निकालने के बाद पलटी करेंगे. वाओ ये देखिए गाइस हमारा डोसा परफेक्टली यहाँ से सीख के तैयार हो गया है. अभी बस नीचे के साइड हम लोग अभी और एक डोसा बना लेंगे गाइस. वाओ परफेक्ट. एंड गाइस मुझे ना पतले डोसे ही अच्छे लगते हैं, मतलब कोई कोई लोग होते हैं जिनको थिक डोसा थोड़ा सा पसंद होता है बट नहीं, मुझे पतले डोसे ही अच्छे लगते हैं और जब हम लोग होटल में जाते हैं वहाँ का उन लोग का डोसा भी एकदम पतला रहता है.
सो वो अच्छा लगता है, लाइक पूरा डोसे वाली फीलिंग आती है कि हाँ सच्ची में डोसा खा रहे हैं हम लोग। चलो तो ये हमारा सेकेंड डोसा भी बन के रेडी है, अभी मैं फटाफट से इसी तरीके से और भी डोसे बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइज अभी मैं जस्ट आ गई हूँ डोसा बना के और सब डोसे मैंने बना लिए और ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद अभी मैं फ्री हो गई हूँ और बहुत थक गई हूँ मैं। तो अभी बस डोसा बन गया है, मम्मी ने सांभर चटनी भी बना दी है और मेरी जो भाभी है वो और मेरा जो भाई है थर्ड वाला वो खा के भाभी ऑफिस चली गई है और जो भाई है वो गणपति देखने गया। सो अभी हम लोग लंच करेंगे। सो लंच करते टाइम मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं हमारे डोसे चटनी सांभर। तो मैंने यहाँ पे मेरा खाना ले लिया है गाइज, और खाने में जैसे कि आपको पता है कि डोसा इडली नारियल की चटनी एंड दिस सांभर, एंड गाइज ट्रस्ट मी रियली दिस सांभर वाज वेरी टेस्टी। हेलो गाइज, सो आई एम डन विथ माय लंच एंड मैंने डोसा खाया, इडली खाया, सांभर चटनी खाया, बहुत मस्त बना था। सबसे ज़्यादा अच्छा बना था वो ही सांभर, सांभर बहुत अच्छा बना था। आपको अगर रेसिपी चाहिए होगी ना तो मैंने सांभर की रेसिपी डाली ऑलरेडी, सो मैं वो वीडियो का लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बहुत यम्मी बनता है सांभर, वो मेरी मम्मी बनाती है और बहुत कम टाइम में बनता है एंड बहुत यम्मी बनता है, सो आप लोग वहाँ से देख के बना सकते हो। सो या एंड आई एम फीलिंग लिटिल बिट टायर्ड, आई डोंट नो व्हाई बट थोड़ा थका थका फील हो रहा है मेरे को, और बस अभी खाना खा लिया, थोड़ा टाइम राउंड मारूंगी, कुछ यूट्यूब का काम रहा तो करूंगी या फिर दोपहर को मैं थोड़ा टाइम सो जाऊंगी बिकॉज जल्दी उठी हूँ आज सुबह, दो ऑफिस तो नहीं था बट नहीं था वो मुझे बाद में पता चला, तो इसकी वजह से मुझे ऑलरेडी उठना पड़ा था। सो या दोपहर को मैं थोड़ा टाइम सोऊंगी अगर नींद आई तो, एंड या एंड फिर शाम को हमारे सोसाइटी में गणपति बप्पा आए हैं तो वहाँ पे जाएंगे, मैं मम्मी और सब लोग आएंगे, और आज डिनर भी है सोसाइटी में गणपति बप्पा का, कल जाएंगे, डेढ़ दिन का ही गणपति रहता है। सो खाना भी है, सो शायद से खाना खाने भी जाएंगे और आरती को भी जाएंगे। सो अभी मैं थोड़ा टाइम आराम कर लेती हूँ गाइज और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइज, वेरी गुड इवनिंग गाइज, सो मैं थोड़ा टाइम सोई थी, एक्चुअली मैं वैसे सोई नहीं थी, बस फ़ोन पे स्क्रॉल कर रही थी मैं यूट्यूब पे बस, और अभी मेरा स्क्रॉल करके हो गया है। सो जस्ट अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नीचे बिकॉज इवनिंग में मुझे बिल्डिंग की गणपति पापा जो है उनके वहाँ पे जाना है आशीर्वाद लेने के लिए। सो या सब लोग जाएंगे हम लोग, सो उनके लिए मुझे कुछ लाना है, मोदक एंड हार वगैरह, तो वो सब मैं लाने अभी जा रही हूँ नीचे। सो मैं फटाफट नीचे से जाके आती हूँ गाइस और फिर मैं सुनती हूँ। One hour later. तो गाइस ये अभी मैं आ गई हूँ गणपति पापा के दर्शन करने। अभी मैं खा रही हूँ गणपति बप्पा का प्रसाद मोदक पेड़े का। सो बस गाइस आरती के बाद हम सब लोग ने डिनर कर लिया और डिनर करने के बाद थोड़ा टाइम अराउंड मारा हम लोग ने बिकॉज पेट बहुत फुल हो गया था, एंड बस ये बाजू की बिल्डिंग में भी गणपति आए थे तो यहाँ पे हम लोग बस आ गए थे देखने के लिए, एंड बस अभी यहाँ से घर पे जाएंगे
एंड ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। आई होप मेरा ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच सच काइंड ऑफ वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।